आई एम दीप्ति शर्मा, वेलकम टू डीएस एकेडमी। आज हम सीटेट के लिए जो सेकंड टॉपिक है उसका पदार्थ की अवस्थाएं, जो कि सीटेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग पहला है भोजन, तो उसको हम पूरे टॉपिक को डाल चुके हैं, आप डीएस एकेडमी पे जाके देख सकते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ाते हैं आपको पदार्थ की अवस्थाएं। ओके फ्रेंड, तो देखिए पदार्थ की अवस्था में सबसे पहले तो हम समझते हैं कि पदार्थ क्या होता है। ठीक है, पदार्थ यानी कि मैटर। पदार्थ वह होता है जो स्थान घेरता है, यानी कि कोई भी स्थान घेर ले तो पदार्थ, मतलब कह सकते हैं कि जो स्थान घेरता है और जिसमें द्रव्यमान एवं भार होता है वो क्या कहलाता है, पदार्थ कहलाता है। यानी कि जो स्थान घेरता है, जिसमें द्रव्यमान एवं भार होता है वो क्या कहलाता है, पदार्थ कहलाता है। और पदार्थ क्या होता है, कणों से मिलकर के बना होता है। पदार्थ कणों से मिलकर के बना होता है, कणों से यानी कि आपने जो छोटे छोटे पार्टिकल देखे होंगे ड्रॉप से मिलकर बना होता है। ठीक है, यानी कि पदार्थ की क्या डेफिनेशन हो गई, जो स्थान घेरता है जिसमें द्रव्यमान एवं भार होता है, पदार्थ जो होता है वो कणों से मिलकर के बना होता है, क्या कहलाता है, पदार्थ कहलाता है या मैटर कहलाता है। ठीक है, मान लीजिए जैसे कि ये पेन ही है, मार्कर है। ठीक है, मार्कर क्या है, पदार्थ ही है ना, ये क्या मतलब पदार्थ से मिलकर के बना है ना मार्कर, तो मार्कर जो है वो क्या है, सबसे पहली बात तो स्थान घेर रहा है। इसको यदि हम यहाँ पर रख दें तो इसने स्थान घेर लिया, स्थान घेरना है इसने कुछ, तो पदार्थ स्थान घेरता है जिसमें द्रव्यमान एवं भार होता है। इसमें द्रव्यमान भी है और भार भी है। अब ये दो चीजें, द्रव्यमान और भार, क्या होता है आप कह रहे होंगे, तो एक ही होती है, लेकिन इसमें डिफरेंस ये होता है कि जो द्रव्यमान होता है वो, इसमें जो द्रव्य भरा हुआ है वो क्या है, द्रव्यमान है। इसमें मीन्स आप इससे वही नहीं लगा सकते कि इसमें जो लिक्विड भरा हुआ है वही द्रव्यमान है। लिक्विड के अलावा ये जो पेन, इसका जो मटेरियल आपको व्हाइट ब्लू जो कुछ दिख रहा है वो सारा ही द्रव्यमान है, क्योंकि ये मटेरियल भी पार्टिकल्स, छोटे छोटे टिनी पार्टिकल होते हैं, उनसे मिलकर के बना होता है। राइट, तो ये सारा क्या है, द्रव्यमान है। जबकि भार क्या है, पृथ्वी अपने गुरुत्वाकर्षण बल के थ्रू इसे जिस बल से खींच रही है वो इसका भार होगा। राइट, तो द्रव्यमान और भार में यही डिफरेंस है, द्रव्यमान यानी कि मास और भार यानी कि वेट। किसी चीज का द्रव्यमान जो होता है उसमें उपस्थित द्रव्य की मात्रा होती है, जबकि जो वेट होता है वो गुरुत्वाकर्षण बल से जिस भी चीज को जितनी बल से खींचा जाता है वो उसका क्या होता है, वेट होता है। इसको हम बल कह सकते हैं, F बराबर mg, ये गुरुत्वाकर्षण है, गुरुत्वाकर्षण बल से ये F से जितनी ताकत से इसको खींचा जा रहा है वही इसका क्या होगा, भार होगा। तो द्रव्यमान तो आपने देख लिया कि द्रव्यमान जीरो नहीं हो सकता, द्रव्यमान क्यों नहीं हो सकता, यदि जीरो हो जाएगा तो कोई पदार्थ ही नहीं बनेगा। यदि इसका हम द्रव्यमान जीरो कर दें तो मार्कर ही फिनिश हो जाएगा, मार्कर है ही नहीं। और यदि भार इसका जीरो हो सकता है, भार कैसे हो सकता है, यदि इस पर गुरुत्वाकर्षण बल न लगाया जाए तो इसका भार जीरो हो जाएगा। तो जहां पर गुरुत्वाकर्षण शक्ति नहीं है वहां पर इसका भार जो होगा वो जीरो होगा, जबकि द्रव्यमान जो है ना वो कभी जीरो नहीं हो सकता। ये द्रव्यमान और भार में अंतर हो गया। ठीक है, और पदार्थ जो होता है, तीसरा पॉइंट है, पदार्थ जो है वो कणों से मिलकर के बना होता है, यानी कि इसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, जैसे कि मैंने ये पेन बना दिया, ओके ऐसे ही बनाया फ्रेंड, ये पेन बना दिया, इसमें छोटे छोटे टिनी पार्टिकल्स हैं। ठीक है, इन पार्टिकल से मिलकर के पदार्थ बना होता है। अब आप कहेंगे छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना होता है, ठीक है,
तो अब हम पदार्थ की जो कण के गुणधर्म है उसको हम बताते हैं कि इन कणों का गुणधर्म क्या होता है, क्या इनकी क्वालिटी होती है, क्या गुण होता है। ठीक है, तो जैसे कि कणों का अभिलाक्षिक गुण, कणों के अभिलाक्षिक गुण क्या होते हैं, देखिए नंबर एक तो पदार्थ के कण जो होते हैं वो क्या होते हैं, निरंतर गतिशील होते हैं। ठीक है, क्योंकि इनमें गतिज ऊर्जा पाई जाती है, ये निरंतर गतिशील होते हैं। अभी क्या ये ठोस अवस्था में है, अभी हम स्टेजेस से पढ़ाएंगे तब आपको समझाएंगे कैसे गतिशील होते हैं। ठीक है, अभी तो आप देख लीजिए पदार्थ के कण जो होते हैं वो क्या होते हैं, निरंतर गतिशील होते हैं। देखिए पदार्थ के कण जो होते हैं वो निरंतर क्या होते हैं, गतिशील होते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट है पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। ठीक है, कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, वो भी हम बताएंगे कि कैसे होता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट है पदार्थ के कण जो होते हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक है, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक है, ये तो हो गए इसके अभिलाक्षिक गुण। तो देखिए पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित कैसे करते हैं, पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल की शक्ति के कारण ही ये कण जो है वो आपस में बंधे हुए हैं। यदि ये कण दूर दूर हो जाएंगे तो इनकी अवस्था परिवर्तित हो जाएगी, ये अभी ठोस अवस्था में है फिर ये ठोस अवस्था में नहीं रहेंगे। ठीक है, तो पदार्थ के कण जो होते हैं एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, इसीलिए एक दूसरे से बंधे रहते हैं। तो इसीलिए ये ठोस अवस्था में है, ये इस स्टेज में है, क्योंकि इसके कण जो है ना वो आकर्षण बंध, प्रबल आकर्षण बंध के द्वारा एक दूसरे से बंधे हुए हैं। कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, देखिए कैसे, जैसे आप नींबू जब भी पानी में शक्कर को चीनी को घोलेंगे तो चीनी के जो कण रहेंगे वो पानी में समाहित हो जाएंगे। यानी कि इसका मतलब है पानी के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है जिससे चीनी के कण उसमें समाहित हो जाते हैं, राइट, और निरंतर गतिशील होते हैं। आप यहाँ पे यदि एक अगरबत्ती अभी लगा दें तो वो पूरे कमरे में फैल जाएगी, धीरे धीरे पूरे घर में फैल जाएगी, राइट। तो पदार्थ के कण जो होते हैं वो कैसे होते हैं, निरंतर गतिशील होते हैं, और पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, मतलब काफी छोटे होते हैं जिनकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। कैसे, मान लीजिए डिटॉल है, ठीक है, डिटॉल की हम एक बूंद को एक बाल्टी पानी में डाल देते हैं तो वहीं से उसका उसकी जो स्मेल है उसमें आएगी, जबकि उसमें से हम एक ग्लास पानी को लेकर के दूसरी बाल्टी में डाल देंगे तो उसमें भी स्मेल आएगी, उसमें से एक ग्लास को लेकर के तीसरी बाल्टी में डाल देंगे तब भी डिटॉल की स्मेल आएगी। तो सोचिए पदार्थ के कण कितने छोटे होते हैं, राइट, और ये निरंतर गति करते रहते हैं। अब हम देखते हैं पदार्थ की जो अवस्थाएं हैं ना तीन, वो कौन कौन सी हैं। तीन अवस्थाएं एक्चुअली क्या है ना, बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं कि पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस, राइट। लेकिन बाद में मॉडर्न बायोलॉजी में अभी पदार्थ की दो अवस्थाएं और आ चुकी हैं, कौन कौन सी हैं, प्लाज्मा और बीईसी, वो हम समझेंगे कौन कौन सी होती हैं। तो पदार्थ की स्टेजेस ऑफ मैटर, स्टेजेस ऑफ मैटर कौन कौन सी है, पहली तो है सॉलिड, ओके, दूसरी को यही समझ लेते हैं कौन सी, लिक्विड, तीसरी है गैस। अब देखिए जैसे कि सॉलिड है, मान लीजिए ये हमने कोई एक पदार्थ बना दिया, सॉलिड में जो पदार्थ के कण होते हैं उनके बीच रिक्त स्थान नगण्य होता है,
यानी कि रिक्त स्थान नहीं होता है। ये जो होते हैं वो प्रबल आकर्षण बल के द्वारा बंधे रहते हैं, ठीक है। इनका जो शेप होता है वो निश्चित होता है, इनके शेप को हम चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि हम यहां लिखें, ये इनका निश्चित आकार होता है, यानी कि डेफिनेट शेप होता है, निश्चित आकार यानी कि डेफिनेट शेप। और जबकि इसका जो होता है वो अनिश्चित आकार होता है, इनडेफिनेट शेप। जैसे कि हम यहां लिखते हैं इनडेफिनेट शेप, ठीक है। और इसका भी इनडेफिनेट शेप होता है, अनिश्चित आकार होता है। हम फ्रेंड्स हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही लिख देते हैं, ठीक है। गैस का भी अनिश्चित आकार होता है। इनके जो कण होते हैं उनके कणों के बीच रिक्त स्थान ठोस की अपेक्षा ज्यादा मात्रा में होता है, ठीक है। ये हमने ऐसे ही बना दिए रखे। और जबकि गैस में के जो कण होते हैं वो काफी दूर दूर स्थित होते हैं, ठीक है। इनके रिक्त इनके कणों के बीच काफी ज्यादा रिक्त स्थान पाया जाता है, ठीक है। इनकी जो साइड्स होती है वो निश्चित होती है। क्या निश्चित होती है, मतलब जो साइड्स जो इनकी विमा है, जो साइड्स हैं इनकी, वो कैसी शेप यानी कि इनका निश्चित होता है, और इनका वॉल्यूम जो होता है वो निश्चित होता है, ठीक है। आयतन कैसा होता है, निश्चित होता है। ओके, और ये कैसे होते हैं, कठोर होते हैं यानी कि दृढ़ होते हैं। इनको क्या देखिए, जैसे ये बोर्ड है, बोर्ड पे यदि हम एक हथौड़ा मारे तो इसका शेप को चेंज किया सकता है, नहीं किया सकता है, जबकि ये टूट जाएगा। और इसकी जो साइड्स हैं वो स्पष्ट हैं, ठीक है। और इसका जो वॉल्यूम है, जो आयतन है, वो भी निश्चित है, राइट। क्योंकि इनको संपीड नहीं किया सकता, यानी कि इसका संपीड़न संभव नहीं है। यदि हम इसको छोटा करना चाहें तो ये नहीं हो सकता, ये जैसा है वैसा ही रहेगा। ये टूट सकते हैं लेकिन अपने आकार, आयतन, साइड्स को चेंज नहीं कर सकते हैं, और क्योंकि ये दृढ़ होते हैं, कठोर होते हैं, ठीक है। जैसे कि हम देखें तो बोर्ड को एक एग्जाम्पल ले लीजिए, ठीक है। ये बोर्ड ही कैसा है, सॉलिड है। जब ये और बोर्ड क्या है, टिनी पार्टिकल्स, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बना होता है, राइट। अब देखिए, जैसे कि हम यदि पेपर में एग्जांपल आता है ठोस में कि स्पंज जो है ना, स्पंज का संपीड़न संभव है, तो क्या वो ठोस है? यस, वो ठोस है, क्योंकि उसमें बीच बीच में थोड़े छोटे छिद्र होते हैं, तो उसमें क्या हवा भर जाती है, और जब इसको हम कंप्रेस करते हैं तो हवा निकल जाती है, लेकिन वह कैसा होता है, ठोस ही होता है, राइट। और रबर बैंड है, रबर बैंड को आपने देखा होगा, जो हम बालों में लगाते हैं, रबर बैंड को खींचो तो है वो ठोस, लेकिन वो खिंच जाता है, लेकिन जैसे ही हम बल को हटाएंगे तो वो अपनी अवस्था में आ जाएगा, ठीक है। तो कुछ ऐसी चीजें हैं कि जिनको हम खींच सकते हैं, राइट। तो लेकिन ठोस के ये मेनली पार्ट्स हैं, मेनली जो पॉइंट्स हैं वो ये हैं, ठीक है। और इनडेफिनेट शेप होता है किसका, लिक्विड का। कैसे, जैसे यदि हम किसी लिक्विड को, मान लीजिए हनी है, हनी को, शहद को इसमें बर्तन में यदि हम डालें तो वो इसका आकार ले लेगी, राइट। और यदि हम हनी को अपने हाथों में ले लें तो वो इसका आकार ले लेगी, तो इसका इनडेफिनेट शेप है, ठीक है। और इसका वॉल्यूम जो है ना वो निश्चित है, क्योंकि इसको इसको अभी संपीड़न संभव नहीं है, मतलब मात्रा में थोड़ी से बहुत किया जा सकता है, दबा सकता है, लेकिन इसका संपीड़न इतना संभव नहीं है। तो वॉल्यूम जो है इसका निश्चित है, डेफिनेट वॉल्यूम है, ओके। इसकी सीमा जो है वो अस्पष्ट है, स्पष्ट नहीं है। इनमें क्या होता है, विस्कोसिटी, विस्कोसिटी क्या होती है, श्यानता, इसको हम कहते हैं श्यानता, श्यानता का गुण पाया जाता है इसमें। श्यानता क्या होती है, जब
कोई लिक्विड जो होता है वो अपने आपेक्षिक गति का विरोध करता है तो वो श्यानता होती है। आपेक्षिक गति क्या होती है, मतलब दो परतें जो होती हैं वो एक दूसरे का विरोध करती हैं। जैसे आप हनी को लीजिए, हनी को जब आप किसी और बर्तन में उड़ेलते हैं तो जो नीचे वाली परत होती है वो ऊपर परत का विरोध करती है, उसको आने से रोकती है, तो वो क्या कहलाता है, श्यानता। उसका वह गुण श्यानता कहलाता है, पदार्थ का ये गुण श्यानता कहलाता है, ठीक है। तो लिक्विड में जो है वो विस्कोसिटी यानी श्यानता का गुण पाया जाता है, राइट। और इनका आकार तो बदलता ही है, और ये दृढ़ नहीं होते हैं, तरल होते हैं। ये कैसे होते हैं, दृढ़ नहीं होते हैं, तरल होते हैं, लिक्विड फॉर्म में होते हैं, ठीक है, तरल होते हैं, ठीक है। जैसे कि हम देखें हनी, ठीक है, इसका एग्जांपल हो जाएगा हनी। अब तीसरा आता है गैस। गैस का अनिश्चित आकार होता है, इसका वॉल्यूम भी डेफिनेट नहीं होता है, क्योंकि इसको कंप्रेस्ड किया सकता है। कंप्रेस्ड क्या होता है, मान जैसे अपने घरों में लिक्विड पेट्रोलियम गैस आती है, एलपीजी का सिलेंडर आता है जिससे हम घरों में खाना बनाते हैं, तो उसको क्या होता है, बहुत सारी मात्रा को एक सिलेंडर में एक बर्तन में कंप्रेस्ड कर दिया जाता है, उसको दबा दिया जाता है, तो वो छोटे बर्तन का रूप ले लेती है, वो कहलाता है कंप्रेशन। तो इसको संपीर्ण यानी कंप्रेस किया जा सकता है, इसलिए इसका वॉल्यूम भी कैसा होता है, इनडेफिनेट वॉल्यूम होता है, यानी कि अनिश्चित आयतन होता है। ओके, तो इनका क्या होता है, अनिश्चित आयतन होता है। और इसमें ये दृढ़ नहीं, ये तो दृढ़ होते ही नहीं है, और इसमें क्या होता है, यह कंप्रेस किया सकता है, इनमें कंप्रेशन यानी कि संपीर्णता, ठीक, कंप्रेशन क्या है, संभव है, ठीक है। जैसे एलपीजी को आपने देखा होगा, एलपीजी को भी छोटे बर्तन में कर दिया जाता है, सिलेंडर छोटे छोटे बना दिए जाते हैं, उसमें उसको कंप्रेस करके भर दिया जाता है। हॉस्पिटल्स में भी सिलेंडर का यूज होता है, ठीक है। जैसे कि हम देखें तो ऑक्सीजन है, CO2 है, हमारे चारों बगल जो हवा है, गैस है, ठीक है, तो ये सब क्या है, गैस के कैरेक्टर्स हो गए, ठीक है फ्रेंड। तो अब हम देखते हैं चौथी पदार्थ की अवस्था जो है, क्या बोलते हैं उसको, चौथी पदार्थ प्लाज्मा और BEC पांचवी अवस्था है, ठीक है। अच्छा, CNG जो होती है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होती है, यानी कि संपीड़ित प्राकृतिक गैस, उसका नाम ही है, तो उसको कंप्रेस्ड करके सिलेंडर में भर दिया जाता है, जिससे कि गाड़ी वगैरह में उसका यूज किया जाता है, गाड़ी चलाई जाती है उससे। अच्छा, आपने गुब्बारे में हवा भरती हुई भी देखी होगी, तो एक सिलेंडर, आपने गुब्बारे वाले को देखा होगा, वो एक सिलेंडर में बहुत सारी गैस भरे रहता है, उसको कंप्रेस्ड करके भरा जाता है, उससे वो बहुत सारे हजारों की मात्रा में गुब्बारे भर सकता है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं तीसरा कौन सा है, तीसरी स्टेज है इसकी, प्लाज्मा और BEC। आपने देखिए 12th में आपने पढ़ाई की होगी, तो आपने जिसने भी पढ़ा हो नेचुरल अक्रिय गैस यानी कि नॉवल गैस के बारे में पढ़ा होगा। चौथी अवस्था है प्लाज्मा, प्लाज्मा में क्या होता है, जो नॉवल गैस होती हैं, ठीक है, नॉवल गैसेस जो होती हैं, और नॉवल गैसेस अक्रिय गैसें जिन्हें हम बोलते हैं, अक्रिय गैसें कौन सी होती हैं, जैसे कि हीलियम है, नियोन है, आर्गन है, ठीक है, क्रिप्टोन है, ये सारे अक्रिय गैसें कौन सी होती हैं, ये सारी अक्रिय गैसें कहलाती हैं, हीलियम, नियोन, आर्गन, जो कि आयनीकृत गैस के रूप में रहती हैं, कैसे कि प्लस और माइनस। ये अत्यधिक प्लाज्मा जो होता है, ये गैसें जो होती हैं, वही है ये अत्यधिक ऊर्जा के रूप में, इनमें जो होती है अत्यधिक ऊर्जा, और ये हाईली एक्साइटेड होती हैं, जो होते हैं इस अवस्था में कण अत्यधिक ऊर्जा वाले,
अत्यधिक उत्तेजित होते हैं, ठीक है। ये कण जो होते हैं वो कैसे होते हैं, आयनीकृत गैस के रूप में होते हैं। आयनीकृत मैंने आपको बताया प्लस और माइनस आयन के रूप में विभक्त रहते हैं, आयनीकृत गैस के रूप में होते हैं। ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा जो नियॉन बल्ब होता है मार्केट में आता है, नियॉन बल्ब और फ्लोरेसेंट ट्यूब, तो फ्लोरेसेंट ट्यूब में क्या हीलियम गैस भरी रहती है और नियॉन बल्ब में नियॉन गैस भरी रहती है, इन दोनों में क्या भरा रहता है, प्लाज्मा भरा रहता है। ये उच्च आयनीकृत होते हैं और ये अत्यधिक ऊर्जा वाले होते हैं और अधिक उत्तेजित रहते हैं, इसीलिए ये चमकते हैं। आपने तारों में, तारे जो चमकते हैं, तारों के आसपास प्लाज्मा का निर्माण हो जाता है क्योंकि उसके आसपास अत्यधिक ऊर्जा वाले कण होते हैं, तो वो क्या करते हैं और आयनीकृत अवस्था के रूप में होते हैं तो वो प्लाज्मा का निर्माण कर देते हैं, इसलिए तारे चमकते रहते हैं। ओके, और सूर्य की चमक भी प्लाज्मा के कारण ही है। तो ये पदार्थ की चौथी अवस्था है प्लाज्मा, और पांचवी अवस्था जो है वो इसकी जस्ट अपोजिट है। ये अत्यधिक उत्तेजित होते हैं कण, लेकिन उसमें जो होते हैं कण जो होते हैं वो बिल्कुल भी उत्तेजित नहीं होते हैं, एकदम ठंडी अवस्था में होते हैं, राइट। तो पांचवी देखते हैं इसकी बीईसी। क्या होता है एग्जाम में इन्हीं से क्वेश्चन पूछा जाता है, मतलब बहुत छोटी छोटी चीजें पूछ ली जाती हैं इसी में से, और आपको उस टाइम पे आप कंफ्यूज हो जाते हो, तो सारी अवस्थाओं को पढ़ना बहुत जरूरी है। आपको लग रहा होगा ये तो बहुत सरल है, ठोस द्रव गैस क्या हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन इनको भी मतलब रिवाइज करना जरूरी है, और पदार्थ की जो दो अवस्था नहीं है उनको पढ़ना भी जरूरी है, राइट। तो पांचवी है बीईसी। ये बीईसी क्या है, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, ओके, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट में देखिए, बोस और आइंस्टाइन दो वैज्ञानिक हैं। सबसे पहले भारतीय जो वैज्ञानिक है सत्येंद्र नाथ बोस ने 1920 में पदार्थ की पांचवी अवस्था का निर्माण किया, पदार्थ की पांचवी अवस्था की गणना की। इसके बारे में उन्होंने बताया कि ऐसा संभव है, और आगे बाद में अल्बर्ट आइंस्टाइन ने इस पदार्थ की पांचवी अवस्था के बारे में बताया, और बाद में दो वैज्ञानिक को 2001 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ठीक है, नोबेल पुरस्कार मिला इन तीनों वैज्ञानिकों को इसी पदार्थ की पांचवी अवस्था को खोजने के लिए। इसमें क्या होता है, किसी सामान्य वायु की, जो सामान्य वायु हमारे वातावरण में है, उस वायु के घनत्व के 1,00,000वें भाग को सामान्य मतलब एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर फ्रीज किया जाता है, ठंडा किया जाता है, तब हमें क्या प्राप्त होती है, बीईसी यानी कि बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट प्राप्त होती है। तो इनको उठा देते हैं, सामान्य वायु के घनत्व के, सामान्य वायु के घनत्व, सामान्य वायु का जो घनत्व है, घनत्व के 1,00,000वें बहुत ही कम तापमान, मान लीजिए 0 डिग्री सेंटीग्रेड, एब्सोल्यूट जीरो, जीरो से भी नीचे, बहुत ही कम तापमान पर फ्रीज किया जाता है, ठंडा किया जाता है, तो हमें क्या प्राप्त होती है, बीईसी प्राप्त होती है।
तो बीईसी प्राप्त होती है। ठीक है, ये हो गया। इसे हम क्या कहते हैं, सुपर एटम कहते हैं। क्या कहते हैं, सुपर एटम। आपने सुपर एटम का नाम सुना होगा, इसे हम सुपर एटम कहते हैं। अभी बाद में इसको खोजा भी गया था। तो सामान वायु के घनत्व के एक लाखवें घनत्व वाली गैस को बहुत ही कम तापमान पर ठंडा किया जाता है, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर फ्रीज किया जाता है, तब हमें जाकर के बीईसी प्राप्त होती है। इसे ही हम सुपर एटम कहते हैं। और इसे सत्येंद्रनाथ बोस ने और बाद में अल्बर्ट आइंस्टीन ने आगे बढ़ाया, इसलिए इसको हम बीईसी कहते हैं। ये पदार्थ की पांचों अवस्थाएं हो गई। अब इससे जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो हम बाद में आपसे आपको कराएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इसके आगे कि पदार्थ की अवस्था परिवर्तन कैसे होता है, ठोस का द्रव में, द्रव का गैस में, गैस का ठोस में, ऊर्ध्वपातन क्या होता है, बाष्पीकरण क्या होता है, गलनांक मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, और किसी पदार्थ का टेम्परेचर कैसे चेंज किया जाता है, वो सारा हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स हमसे जुड़े रहिए, और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो